गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जुई ड्रीम में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं, देख सकते हैं अभी तक दुकान भी सारा खुला नहीं है, धीरे धीरे खुल रहा है। तो आज हमारा काठमांडू में लास्ट डे है और हम लोग निकल गए हैं पोखरा के लिए। ये भी जा रही है, बहुत घूमा इसने, जा रहा है। अच्छा, तो टैक्सी करके हम लोग पहुँच गए थे काठमांडू बस स्टैंड, जहाँ से पोखरा जाने के लिए गाड़ी मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लिए क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा लेट था। ये पोखरा का बस स्टैंड है और ये है पब्लिक टॉयलेट। यहाँ से पोखरा जाने के लिए सारे बस मिल जाएगा, बड़े बस, छोटे पब्लिक बस, और जो थोड़ा अच्छा बस है उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होता है। और उस साइड में मिलता है छोटा गाड़ी जिसमें 18 जन का सीट होता है। और ये है यहाँ का चॉकलेट की दुकान, जहाँ पर बहुत ही कलरफुल पेपर में चॉकलेट मिल रहा था पैकेट पैकेट। तो यहाँ से हम लोग खाने पीने का कुछ लेकर फिर हम लोग बस में चढ़े और फिर बस छोड़ दिए थे 9:30 बजे। और जाने का जो रास्ता था पोखरा जाने का, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। कुछ देर आने के बाद बस आकर रुका एक होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हम लोग तो पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिए थे इसीलिए यहाँ पर और नहीं किया, बट होटल के अंदर जाकर देखा यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन थे ब्रेकफास्ट के लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा था खाना सब देख के। लेकिन क्योंकि एक बार खा लिए थे, ज़्यादा खा लेंगे तो बस में उल्टी हो जाएगा, इसलिए नहीं खाए थे। और यहाँ पर नेपाल का एक फेमस रोटी है, सेल रोटी जिसका नाम है, जो कि ब्रेकफास्ट में यहाँ पर ज़्यादातर खाया जाता है। सबके ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद हमारा सफ़र दोबारा से स्टार्ट हुआ पोखरा जाने के लिए। और काठमांडू से पोखरा जाने के जो रास्ते में जो व्यू होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, लेकिन रास्ता उतना ही ज़्यादा ख़राब होता है यहाँ। तो चलते चलते दोपहर हो गए थे और दोपहर में लंच करने के लिए बस आकर फिर से एक बार एक होटल के पास रुका और यहाँ पर सभी लोग उतरे थे इस होटल पे लंच किए। तो लंच होने के बाद दोबारा से गाड़ी चल पड़ी और काठमांडू से पोखरा जाने के जो रास्ता है उसके बीच में यहाँ पर मनोकामना टेम्पल पड़ता है और ये भी नेपाल के एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। लेकिन हम लोगों ने इसके स्किप कर दिया क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था और डायरेक्ट पोखरा के लिए निकल गए थे। और यहाँ पर देख सकते कि रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा है यहाँ पर, तो कितना हालत ख़राब हुई क्योंकि पूरा रास्ता ऐसे ही है बस। तो किसी तरह हम लोग गए पोखरा तक, मतलब पूरा हड्डियाँ टूट गई थी, लेकिन व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था तो उसे देख के ही थोड़ी सी राहत मिल रही थी। लेकिन इतना लंबा जर्नी करने के बाद हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, तो फ़ोन बंद करके चुपचाप बैठ गए थे। और फिर हम लोग 7 या 8 बजे पोखरा पहुँचे थे और वहाँ पर उतर के ही बहुत सारा एजेंट था होटल का, अपने अपने होटल के लिए बोल रहा था। तो हम लोग एक एजेंट के साथ उनके होटल गए, तो काफ़ी अच्छा था होटल और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भी था, 1000 नेपाली रुपीज़ बोल रहा था। और वो भी डबल बेड था, ट्रिपल बेड था, सिंगल बेड भी था, तो काफ़ी अच्छा था। और शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल है इसीलिए इतना कम प्राइस में मिल रहा था। तो पूरा दिन जर्नी करने के बाद जाकर हम लोग फाइनली होटल पर पहुँचे।
और ये ब्लॉग भी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पोखरा ज़रूर दिखाऊंगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और ये वाले ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।